सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब हम डिटेल्स अमाउंट से अगर करेंगे तो क्या होगा? डिटेल्स अमाउंट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है। अब यहाँ पे तो प्लस माइनस कॉलम अलग है ही नहीं, क्या यहाँ पे प्लस माइनस कॉलम अलग है? नहीं। अब ध्यान से देखना बेटा, तो हम क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 10,500। अब ऐसे स्टार्ट हो रहा है, क्या ये पॉजिटिव बैलेंस है? ये तो नेगेटिव बैलेंस है, बट यहाँ पे ऐसे माइनस प्लस करके नहीं लिखते, यहाँ पे तो कॉलम ही अलग है ना माइनस के लिए, तो ये नेगेटिव था तो माइनस में आ गया, तो माइनस आइटम से ही डील कर रहे थे, बट यहाँ पे हम माइनस आइटम से डील कर रहे हैं, एक नेगेटिव आइटम से डील कर रहे हैं, बट प्लस माइनस नहीं है। सर क्या कह रहे हो? ध्यान से देखना, अगर आपका ओवरड्राफ्ट है 10,500 का, ध्यान से सुनना बड़ी मजेदार बात, अगर आपका ओवरड्राफ्ट है 10,500 का और पासबुक में ओवरड्राफ्ट है 10,800 रुपए का या 11,000 का, सिंपल रखते हैं ना, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है 10,500 का, पासबुक में ओवरड्राफ्ट है 11,000 का, तो बैंक का बैलेंस कम है ज्यादा है? बैंक का बैलेंस 11,000 है ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का बैलेंस 10,500 है, तो बैंक का बैलेंस कम है या ज्यादा है? कम है, वो माइनस आइटम है, -11,000 है, ये -10,500 है, समझ आ रही है बात? तो आप एक माइनस आइटम से डील कर रहे हैं, आप एक माइनस आइटम से डील कर रहे हैं, तो बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। आप ध्यान से रखना, जो भी आप कर रहे हैं आपको उसको माइनस आइटम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आप वैसे ही चलो जैसे आप चल रहे हो, आप वैसे ही चलो कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से कम होगा या ज्यादा होगा, तो इसमें हमने क्या करा था, इसका नेट रिजल्ट क्या आया था? प्लस। सेग्रीगेट करते हैं ट्रांजैक्शंस को ना, ध्यान से देखेंगे प्लीज। अब अंडरस्टैंडिंग तो हमारी हो ही चुकी है कि किस ट्रांजैक्शन में प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है ना कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी जो समझना ही होगी सर प्लस क्यों हुई माइनस क्यों हुई, वो स्टेज तो क्रॉस हो चुका है ना? ठीक है, तो पहला था प्लस, दूसरा था माइनस, तीसरा था माइनस, चौथा था माइनस, पांचवे में एक माइनस एक प्लस, और छठा क्या था? नो एंट्री। अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं आप एक माइनस साइन से डील कर रहे, आप एक माइनस साइन से डील कर रहे, तो जो भी आपका रिजल्ट आया ना, अगर आप जो भी रिजल्ट आया उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस इंटू माइनस इज माइनस इंटू माइनस इज है जीजस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, कैसे सर? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ओके, तो अब ध्यान से देखना, ये तो हो गया माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, क्यों भी एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान से देखना, एक एक करके बात करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट था आपका ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस था कैश बुक में, बट मैं कह रहा हूँ ये करोगे तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको कुछ नया नहीं सोचना, पहले आपने वही सोचना है जो सोचा हुआ था कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से कम है ज्यादा है, जो भी कर लिया, अगर ओवरड्राफ्ट है तो ऑपोजिट साइन ले लेंगे, माइनस साइन ऑपोजिट कर देते ना, कि माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, क्यों? ध्यान से देखेंगे, आपने एक चेक इशू करा 5,400 का, तो पहले मैं सारे प्लस आइटम ले लूं, प्लस का मतलब समझते हो, डिटेल्स अमाउंट में ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो अगर ऐड हो रहा है, अगर ऐड हो रहा है तो वो आपके ओवरड्राफ्ट को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? बढ़ा रहा है, एक वैल्यू में चीज ऐड हो रही है तो बैलेंस बढ़ता जाएगा, ओवरड्राफ्ट और बढ़ता जा रहा है। ध्यान से देखना, अभी समझ आएगा आपको क्या हुआ। ऐड कौन सा आइटम है? ऐड सेकंड, पोस्ट डेटेड चेक 100 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम, एक पोस्ट डेटेड चेक था, आप कैश बुक में तो दिखा चुके हो बट बैंक में अभी नहीं आ सकता,
तो बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? बैंक में कम होगा, बिल्कुल कम होगा। ओवरड्राफ्ट है तो अगर ये 10,500 है तो वो 100 कम होगा, तो वो 10,600 होगा ओवरड्राफ्ट। नेगेटिव बैलेंस से डील कर रहे हो आप, किससे डील कर रहे हो? नेगेटिव बैलेंस से। तो 10,600 और 10,500 कौन सा बैलेंस ज्यादा है? अगर एक ये नेगेटिव आइटम है तो, अगर नेगेटिव वैल्यू -10,500 बड़ा है या -10,600 है ना, तो पासबुक का बैलेंस कम है, 100 रुपए कम है, तो अगर कैशबुक का 10,500 है तो उसका और ज्यादा ओवरड्राफ्ट रहा होगा, तो इसलिए वो ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि उनका क्या रहा होगा। तो ऐड कितना? 100। तो ये ऐड हो गया थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, 14, 12, 4, 16, थर्ड 1,200, 400, फोर्थ 50 रुपीज, और फिफ्थ में पहला वाला प्लस है, थर्टीन फोर 17, 17, 50, 17, 65। वन टू 265। लेस माइनस वाले कौन से हैं? फर्स्ट और फिफ्थ। तो फर्स्ट कितना है? 540, और फिफ्थ में 25 वाला। फर्स्ट कितना है? 540, और फिफ्थ था 25। 565। $11,700। तो यह क्या आया? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि आप नेगेटिव साइन से डील कर रहे हो इसलिए वो ऑपोजिट हो जाता है। तो आप जैसे केस वन कर रहे थे आपको वैसे ही करना चाहिए, बस साइन उसके बाद माइनस साइन से, क्योंकि आप डील कर रहे हैं तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये है डिटेल्स अमाउंट वालों के लिए। प्लस माइनस वालों की कहानी तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, बट वही करना जो आपके स्कूल में बोला गया है। डिटेल्स अमाउंट है तो डिटेल्स अमाउंट ही करना, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही करना, दोनों ऑप्शन है तो ऑब्वियसली प्लस माइनस ही करना, बट आपकी मर्जी है।